नमस्कार, इजी टू कुक फूड चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आज हम बनाएंगे साबूदाना और मखाने की खीर। साबूदाना और मखाने की खीर के लिए जो मैंने यहाँ रेसिपी शेयर की है, बहुत ही इजी तरीके से शेयर की है, बहुत ही अपने तरीके से शेयर की है। तो मैंने यहाँ पर ट्विस्ट देने के लिए मखाने को ले लिया है और साबूदाने के साथ। तो आइए मिलकर बनाते हैं इस रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए हमने होल मिल्क ले रखा है जो कि नॉर्मल टेम्परेचर पर है। ये 5 कप है और 1 लीटर है। फिर मैंने साबूदाना भिगो दिया था 1 घंटा पहले, जो कि आधा कप है, 180 ग्राम है। उसके बाद मैंने यहाँ पे शक्कर ले रखी है जो कि 3/4 कप है। केसर ले रखी है, 10-12 स्ट्रेंज ले रखी है उसकी। इलायची पाउडर ले रखा है, 1/2 छोटा चम्मच है। घी ले रखा है, 1 बड़ा चम्मच। और ड्राई फ्रूट्स ले रखा है जो कि काटा हुआ है मैंने, 2 बड़े चम्मच। और मखाने ले रखे हैं 3 बड़े चम्मच। आइए मिलकर बनाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले रखा है, उसमें घी ले लिया था और ये मखाने मैं इसमें तलने वाली हूँ। यानी कि तलना नहीं है, 1-2 मिनट के लिए हमें इसे सेकना है। तो ये मैंने इसे डाल दिया है, देखिए। अब इसको हम निकाल लेंगे और ये बहुत जल्दी सेक जाते हैं, तो इसको मैं निकाल रही हूँ। देखिए, अब इसके साथ मैंने जो ड्राई फ्रूट्स ले रखे थे वो मैं डाल रही हूँ इसमें, और इसके बाद मैं इनको भी तलूँगी इस तरह से, और इसको भी निकाल लूँगी। ये देखिए, इसके बाद हम जो है दूध लेंगे, उसको हम बॉयल करेंगे। एक अलग से पैन जो है पैन ले लेंगे और उसमें हम दूध को डालकर गरम करने रखेंगे और उसे हम बिल्कुल बॉईल कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, मैंने यहाँ पे दूध ले लिया है, अब उसे गरम करने रख दिया है और कंटिन्यू इसे स्टर करना है। देखिए, कंटिन्यू मैंने स्टर करती रही हूँ 5 मिनट तक के लिए, और ये देखिए बिल्कुल बॉईल हो ही चुका है। बस इस जगह पर जो है मैं यहाँ पे जो हमने साबूदाना लिया था वो डालने वाली हूँ। तो ये देखिए हो गया है यहाँ पे। अब मैंने साबूदाना डाल दिया है यहाँ पर, ये देखिए। इसके बाद ये देखिए, मैंने साबूदाना अच्छे से डाल दिया। इसको एक बार चम्मच से चला लेंगे हम, छोड़ेंगे नहीं। फिर इलायची पाउडर डाल रही हूँ मैं यहाँ पर, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर शक्कर डाल रही हूँ, ये देखिए। अगर आप चाहें तो गुड़ भी ले सकते हैं इस जगह पर। ये देखिए, इसे सबको चला लेंगे हम अच्छे से। इसके बाद जो हमने मखाने तले थे उसको मैंने क्रश कर लिया है इस पर और इसको इसमें डाल दिया है, देखिए। और इनको भी हम अच्छे से कंटिन्यू स्टर करेंगे, 5 मिनट तक इसे पकाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें कंटिन्यू स्टर करना है और ये 5 मिनट में ही अच्छे से पक जाएंगे। इसमें साबूदाना भी पक जाएगा और ये भी पक जाएंगे मखाने भी। और थोड़ी देर के बाद ही मैं इसमें जो बाकी बचा था, हमने जो केसर ले रखा था उसको मैंने दूध थोड़ा सा डाल के उसको भिगो दिया था, केसर का दूध बना दिया था। तो फिर मैं ये जो है, ये देखिए पक गया है, ये अच्छे से बॉयल होने लगी है यहाँ पे। ये देखिए, अब मैं केसर का दूध डाल रही हूँ। जो हमने केसर लिया था उसमें दूध डाल के उसे कर लिया था केसर का दूध, ये देखिए। और मैंने यहाँ पे पिस्ता डाल दिए हैं सारे और बादाम डाल दिए हैं। बस अब मैं इस जगह पे खीर रेडी हो गई है। कितनी जल्दी ये खीर बन जाती है, और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। व्रतों में खाई जाती है, नवरात्रा भी स्टार्ट होने वाले हैं अब तो क्यों ना हम इस रेसिपी को बनाएं। तो ये देखिए बहुत जल्दी से रेडी हो गया, मैं इसे सर्व कर रही हूँ और सर्व कर दिया है, देखिए यहाँ पर मैंने ये। और देखिए कितनी अच्छी लग रही है सर्व करने के बाद, और मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये लगेगी बनने के बाद। और ये बहुत ही अच्छी लग रही है, देखिए सर्व कर दिया है मैंने यहाँ पर इसको। और मैं आपको बताती हूँ कि इसका टेक्सचर किस तरह से लगेगा, ये देखिए इस तरह से। और ये जब थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो बहुत जल्दी गाढ़ी हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसका दूध जो है बहुत ज़्यादा हटाया नहीं है, नहीं तो ये गाढ़ा हो जाता है। तो ये देखिए, इस तरह से आप इस रेसिपी को बनाइए और फॉलो कीजिए मेरी रेसिपी को। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और मुझे बताइए कि इसमें क्या कोई कमी थी, और मुझे बताइए किस तरह से आपको ये रेसिपी लगी, अच्छी लगी नहीं लगी। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ नई रेसिपी लाने के लिए। नमस्कार।